नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। एस सेवन के संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार एवं आकाश में कोरोना घना है के संपादक गौरव अवस्थी जी मौजूद हैं, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम संवाद में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने एक किताब लिखी है आकाश में कोरोना घना है, क्या सर है इसमें, मतलब आपने इसका संपादन किया है, इस किताब के बारे में मुझे बताइए सर। आकाश में कोरोना घना है, मैं ये कहूँगा कि नकारात्मकता में सकारात्मक सोच इसमें समाई हुई है। लॉकडाउन पीरियड को इस देश और दुनिया के लोगों ने बहुत ही निगेटिव रूप में पाया है, लेकिन हम लोगों ने एक कोशिश करके उस निगेटिव को पॉजिटिव में बदलने की एक कोशिश की है, और उसका नाम है आकाश में कोरोना घना जी। अच्छा, मुझे बताइए सर, मैं अभी आपकी जब किताब पढ़ रहा था तो उसमें बहुत तरीके से आपने कुछ बताया है, मतलब एक आपने किस तरह से एक भूमिका बनाई इसकी पूरी, मैं ये भी समझना चाहता हूँ आपसे। आपने बताया कि पहले पेड़ लगता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर आम लगता है, इस बारे में आपने जो एक्सप्लेन किया है मैं बहुत प्रभावित हुआ उससे। सर, उस बारे में बताइए मुझे। आकाश में कोरोना घना है पर मैं कोई चर्चा शुरू करूँ जी, उसके पहले हम अपने साहित्यिक पूर्वजों को याद करना चाहेंगे जी। हम रायबरेली में हैं और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम देश और दुनिया में आदर से लिया जाता है जी। उन्होंने खड़ी बोली बनाई जिसमें हम आप आज चर्चा कर रहे हैं जी। तो मैं ऐसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। उनकी छाव में बैठकर इस तरह के साहित्यिक प्रयास आज पूरे देश में चल रहे हैं, रायबरेली में भी चल रहे हैं जी। ये वर्ष उपन्यासकार, कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म शताब्दी वर्ष भी है जी। जी, 4 मार्च 1921 को बिहार प्रांत के फारबिसगंज जनपद के औराही हिंगना गांव में रेणु जी का जन्म हुआ था जी, और 4 मार्च 1921 को उनका जन्म शताब्दी वर्ष पूरा होगा। ये विषम परिस्थिति है कि उनका जन्म शताब्दी वर्ष उस भव्य तरीके से नहीं मनाया जा पा रहा है साहित्यिक जगत में, साहित्य समाज की ओर से कोरोना चल रहा है, लेकिन रेणु जी का साहित्य में जो योगदान है उसको याद करते हुए हम उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे जी। रेणु जी को आप जानते हैं जी, कि मैला आंचल एक उन्होंने चर्चित उपन्यास लिखा और उस उपन्यास लिखने के बाद उन्हें पद्मश्री का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ भारत सरकार की तरफ से। ऐसी तमाम सी कहानियां हैं, आपको ये बात भी याद दिलाना चाहेंगे कि एक उन्होंने कहानी बहुत लिखी मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम, ये एक हरकारे की बैलगाड़ी हाँकने वाले की कहानी है, हीरा मन और हीरा बाई, एक नौटंकी कंपनी में काम करने वाली और उसकी अद्भुत प्रेम कथा है। उस पर तीसरी कसम फिल्म भी वासु भट्टाचार्य जी के निर्देशन में बनी जी। राज कपूर जी और वहीदा रहमान ने उसमें नायक और नायिका के रूप में अपना रोल अदा किया था। तो मैं ऐसे रेणु जी को सर्वप्रथम याद करना चाहूँगा। यह आकाश में कोरोना घना है, उनकी स्मृतियों को ही मैं समर्पित करना भी चाहता हूँ जी, क्योंकि उनके जन्म शताब्दी वर्ष में ये हम लोगों का पहला प्रयास है, और चूँकि उनके जन्म शताब्दी वर्ष में ये किताब प्रकाशित होकर आई है, इसलिए आकाश में कोरोना घना है मैं रेणु जी के स्मृतियों को समर्पित कर रहा हूँ जी। अब एक कहानी इसमें अपनी ही रायबरेली की लेखिका हैं, लखनऊ में रहती हैं, डॉक्टर संध्या सिंह जी जी, जी। कुकनूस नाम की कहानी उन्होंने लिखी है। ये एक ऐसे मजदूर परिवार की कहानी है जो महानगर दिल्ली से गांव की तरफ लॉकडाउन होने के बाद लौट रहा है मजबूरी में, और
उसकी पत्नी पर्वतिया नाम उसको दिया गया है, काल्पनिक नाम है जी। और पति और पत्नी बिछड़ जाते हैं। पर्वतिया बिहार की रहने वाली है और संध्या सिंह जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से उसको औराही हिंगना का बताकर रेणु जी को इस कहानी के माध्यम से याद करने की जी, अच्छी कोशिश की जी। मैं उनकी इस कहानी भी अच्छी है और कहानी में जो उन्होंने रेणु जी के गांव जन्म गांव का जिक्र किया औराही हिंगना का, वो भी काबिले तारीफ है। इस तरह से ये एक कथा संग्रह कोरोना काल का आप सबके हाथों में आ गया है। सर, अभी आपने कहा कि ये जो कहानी जो लिखी है संध्या जी ने लिखी है, जाहिर सी बात है कि बहुत एक कई सारी तस्वीरें ऐसी सामने आ रही थी कि लोग बहुत दूर दूर से निकले हैं अपने अपने घरों के लिए पहुंचने के लिए, संघर्ष कर रहे हैं हर तरह का। तो मुझे लगता है कि इस तरह की कहानियां जो लिखी गई हैं वाकई में बहुत अच्छी लिखी गई हैं। अच्छा सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि इसका टाइटल सर बहुत बढ़िया है, आकाश में कोरोना घना है। हाँ। और इस विपत्ति काल में कुल मिला के देखा जाए 3 महीने का जो लॉकडाउन हुआ, लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, परेशान थे, क्योंकि इस बीमारी के लिए हम कभी तैयार नहीं थे, जिस तरह से सामने आई। सर, ये कहानी संग्रह की कहानी प्रकाशित होने की भी एक रोचक कहानी बन गई जी। हम, आप जानते हैं कि मैं पेशे से पत्रकार हूं। जी सर जी। और हमारे पास एक सूचना आती है कि रायबरेली जनपद के हरचंदपुर गांव के एक पड़ेरा गांव हुआ, एक मजदूर परिवार सूरत गुजरात में गुजरात हुआ जी, पढ़ रहा था मैं जी। नरेंद्र नाम का वो शख्स है और हमने उसका नंबर मैनेज किया, उससे बात की। हमें ये पता था कि वो वहाँ फंसा हुआ है, आ नहीं पा रहा है। लेकिन जब हमने उसे बात की तो बात में बात करते हुए ये निकल के आया कि उसका दुख सूरत में फंसे होने का था, बच्चों के भूख से बिलबिलाने का था, खुद के कुछ न कर पाने का था, और इससे भी बड़ा दुख था कि गांव में उसकी माँ का निधन हो गया और वो अपनी माँ की अर्थी को कंधा देने नहीं पहुँच पाया। तो हमने खबर के रूप में उसको अखबार में अपने प्रकाशित किया जी। और हमें लगा कि नरेंद्र की इस कहानी, इस दुख को कहानी में भी लिखा जा सकता है। हमने एक कहानी लिखी दुखों का लाकप, इस कहानी संग्रह में वो भी है जी जी जी। कहानी लिखने के बाद हमने सोशल मीडिया पर वायरल की। फिर हमारे एक इंजीनियर मित्र हैं ग्रेटर नोएडा में, अवधेश पांडे जी, उन्होंने सुझाव दिया कि हम लोग एक इस तरह का कहानी संग्रह निकालने की कोशिश कर सकते जी, हैं जी। और वहाँ से ये विचार आया। आपने जिस बात का जिक्र किया, हम किताब में लिख रहे हैं एक ख्याल का पकना जी। एक छोटी सी भूमिका है इस किताब के बारे में कि ये किताब कैसे इसकी उत्पत्ति हुई जी। सर, तो एक ख्याल, जैसे चूंकि आजकल आम का सीजन था, जिस तरह फल पकता है, तो हमने आम का वो लेते हुए प्रति जी कि आम के पकने की क्या प्रक्रिया होती है, उसी तरह की पकने की प्रक्रिया इस आकाश में कोरोना घना की ही भी है। हमने कई लोगों से चर्चा की जी, पेड़ में फल आया, हरा हुआ, आंधी आई, बचा, बारिश आई, पका। तो ये कुछ मिला, कुल मिला के इस कहानी संग्रह की भी कहानी इसी तरह की है कि एक हमने कहानी लिखी, दूसरे से बल मिला, तीसरे से बल मिला, चौथे से खाद पानी मिला, और करते करते आकाश में कोरोना घना है इस रूप में पाठकों के सामने आ गया जी। मैं समझता हूँ बिल्कुल जिस तरह से आपने इसमें लिखा है, वो एक आम आदमी भी अगर इसको पढ़ता तो बहुत कुछ समझना चाहता, बहुत कुछ समझ रहा है इन कहानियों के माध्यम से। और जिस तरह से कोरोना संकट में हम लोग फंसे थे, जाहिर सी बात है कि अगर हम तैयार नहीं थे और इस तरह से 3 महीने का लॉकडाउन हो गया, लेकिन एक पत्रकार तो अपनी एक ड्यूटी पूरी निभा ही रहा था। तो सर, मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपने जिस तरह से इन कहानियों का संग्रह किया, क्या उसमें प्लान किया आपने, कैसे ये पूरी भूमिका बनी? इसकी भी बड़ी रोचक, हमने कई लोगों से इस बात पर चर्चा की कि आप कहानी लिखें। कई पत्रकारों को हमने संपर्क किया, कई लोगों, लेखकों से संपर्क किया जी। और इस बात की हमें बेहद खुशी है। हाँ। कि हमें देश भर के लेखकों और पत्रकारों का बहुत सहयोग मिला, उत्साह बढ़ा और
ये कहानी संग्रह छपकर तैयार हुआ। अब आप देखिए कि एक पत्रकार कोरोना वॉरियर्स की तरह लगा हुआ है, बिल्कुल फील्ड में काम कर रहा था जी जी, उससे ज़्यादा नंगा सच इस कोरोना काल की व्यथा कथा का देखने वाला शायद ही कोई हो। साहित्यकार भी देखता है अपनी तरह से, लेकिन उसमें अपनी बात भी डालता है। लेकिन इस कहानी संग्रह में 14 ऐसे पत्रकार हैं जिनकी पृष्ठभूमि पत्रकारिता, 7 लेखक जिनकी कहानी इस संग्रह में ली गई है वो उनका उनकी साहित्यिक बैकग्राउंड है जी, वो साहित्यिक पृष्ठभूमि के हाँ। वो स्थापित लोग हैं और 14 जो पत्रकारिता पृष्ठभूमि से आए हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि पत्रकारों ने अपनी विधा से अलग हटकर इस कोरोना काल को देखने समझने और लिखने की बड़ी पहल की है। एक नया रूप पत्रकारों का सामने इस कहानी संग्रह के माध्यम से भी आया है और इस बात की भी साहित्य समाज को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और स्वागत करना चाहिए कि इसमें 2 शोध छात्रों की भी कहानी। अच्छा जी, एक रायबरेली जनपद के ही दोनों शोध छात्र हैं, कोमल नारायण त्रिपाठी फैजाबाद के विश्वविद्यालय से, वो सैन्य विज्ञान पर रिसर्च कर रहा है। अच्छा जी, मेरिटोरियस बच्चा है। और दूसरा लड़का है गौरव तिवारी, वो भोपाल में वेदर साइंस पर रिसर्च कर रहा है। हमारा ये अनुरोध व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचता है तो गौरव तिवारी भी तैयार होते हैं, कोमल नारायण तिवारी भी तैयार होते हैं। एक शिक्षिका है सना आफरीन, रायबरेली जनपद में तैनात है, उनकी भी एक कहानी इसमें मीठा सवाल के नाम से आई है, अच्छी कहानी है, पठनी कहानी जी। और अवधेश पांडे जिन्होंने हमें प्रेरित किया इस कहानी संग्रह के लिए, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। अच्छा। एक सॉफ्टवेयर कंपनी में, फॉरेन की सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसमें काम भी करते हैं ग्रेटर नोएडा में, और उनकी भी एक कहानी परदेश की कमाई से चलता घर हाँ। इस कहानी संग्रह का हिस्सा है। हुँ. तो कुल मिला के 24 लेखकों की 29 कहानियों का ये ऐसा गुलदस्ता तैयार हुआ है जी जी जी, जो आने वाले तमाम वर्षों तक लोगों को इस कोरोना संकट काल की याद दिलाएगा। भारतीय समाज में या ह्यूमन टेंडेंसी में जी, प्रकृति की संरचना है कि वो भुलाती रहती है, लोगों के ऊपर सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं जी, भूल जाते हैं, फिर नए सिरे से खड़े होते हैं। तो ये आकाश में कोरोना घना है, याद दिलाएगा कि कोरोना नाम की कोई महामारी इस दुनिया में कभी आई थी जी, जी। और उसका मुकाबला किस तरह से भी किया गया, ये इसकी भी याद दिलाएगा, कैसे कोरोना महामारी को जीत कर लोग निकले। तो इस कहानी संग्रह में आप पहली कहानी हमने बहुत लेखक अच्छे हुए हैं, निर्मल गुप्त जी हैं, मेरठ के हैं, रिटायर हैं सर्विस से, और व्यंग विधा में भी उनका बहुत अच्छा दखल है, सच्ची मुच्ची वाला सरासर झूठ। ये कहानी जब आप पढ़ेंगे तो पलायन करते एक मजदूर परिवार की केंद्रित कहानी है जी, वो परिवार पैदल चल रहा है, दिल्ली से थोड़ा दूर निकल के आता है, एक ढाबे में रुक के अपनी थकान मिटाता है, और उसकी पत्नी एक ईंट भट्टे की चिमनी को देखकर बहुत एक्साइट होती है कि अरे यहाँ एक टीला है उसी जगह पर ढाबे के आसपास, वहाँ खड़ी हो जाती है, ईंट भट्टी की चिमनी को देखकर कहती है कि ये तो कुतुब मीनार है दिल्ली का, यहाँ से दिल्ली का कुतुब मीनार दिख रहा है। जैसे लोगों ने कहा कि कोरोना संकट काल में यहाँ 200 किलोमीटर दूर जालंधर से वहाँ की पहाड़ियाँ साफ दिखती हैं जी जी जी, तो उसको निर्मल गुप्त जी ने अपनी इस कहानी के माध्यम से बहुत अच्छा वर्णन किया है कि एक टीले पे खड़ी हो कि वो ईंट भट्टे की चिमनी को कुतुब मीनार बताती है। तो ये देखने और समझने के बहुत से किस्से, हम ये नहीं कहते कि सब कहानियाँ इसमें वास्तविक किरदारों पर ही केंद्रित हैं, कुछ काल्पनिक भी होंगी, लेकिन अधिकांश कहानियाँ इसमें ऐसे किरदारों की हैं जो उन्होंने सड़क पर चलते हुए अपने अपने छज्जे से, अपने गेट से,
देखे सुने हैं उन किस्सों को इन कहानी इन शब्दों में लाते होंगे। अच्छा सर, इसमें जो जिन शब्दों का चयन किया गया है, जैसे सच्ची मुच्ची आपने जो बात कही, मतलब ये एक ऐसे शब्दों का चयन किया गया वो वाकई में आदमी के तुरंत समझ में आता है, और आम बोलचाल में हम लोग जिन बातों का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि रियल स्टोरी इस पर लिखी गई है। अच्छा सर, इस कोरोना संकट काल में सबसे ज़्यादा अगर किसी शब्द का इस्तेमाल हुआ तो लॉकडाउन, हम लोग नहीं जानते थे क्या था, मतलब दुनिया में बहुत सारे लोग नहीं जानते थे कि मतलब इसका मतलब क्या होता है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने जब घोषणा की, जनता कर्फ्यू की बात कही, जिस तरह से 3 महीने का लॉकडाउन हुआ, अभी भी सैटरडे संडे चल रहा है। एक कहानी सर मैं पढ़ रहा था इस पर लॉकडाउन करके, क्या है सर उस बारे में बताइए मुझे। पहले तो ये लॉकडाउन जो कहानी संग्रह की टाइटल की आप बात कर रहे थे जी, हमने इस टाइटल के चयन में भी डेमोक्रेटिक पैटर्न पे जितने भी लोगों ने कंट्रीब्यूट की थी कहानी, उनसे हमने कहा कि आप कहाँ, जब कहानियाँ सारी आ गई और कोई उम्मीद नहीं बची तो हमने एक उनको व्हाट्सएप मैसेज किया कि आप टाइटल हमें सजेस्ट करें जी, जिसका अच्छा टाइटल होगा। एक हमने कंपटीशन टाइप का किया अपने लेखकों के बीच जी जी जी, जो टाइटल अच्छा होगा, और आप यकीन नहीं मानेंगे करीब हम लोगों ने 82 टाइटल पर रिसर्च करी और आखिरी में ये आकाश में कोरोना घना है मशहूर शायर हुए दुष्यंत कुमार जी। दुष्यंत कुमार जी की एक बहुत चर्चित गजल है कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है जी। ये दुष्यंत कुमार जी की इस कविता को पढ़ते हुए हम लोगों के दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि ये टाइटल हम लोग आकाश में कोहरा घना कोरोना घना हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया और अपने सारे मित्रों को पसंद आई कि आकाश में कोरोना टाइटल जी। इस बात पर हम लोग रिसर्च कर रहे थे, खूब मशक्कत कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे कि टाइटल ऐसा होना चाहिए कि पाठकों के दिमाग में वो क्लिक कर जाए जी। तो हम लोग चूंकि पत्रकारिता में ये सिखाया जाता है कि आपकी हेडिंग ऐसी हो जो पाठक को पढ़ने को मजबूर करे, साहित्य में भी इसी तरह का वो मानदंड है, मानक है। तो टाइटल में रिसर्च करते हुए दुष्यंत कुमार जी की गजल की लाइन को हम लोगों ने चुराया, आकाश में कोहरा की जगह कोरोना किया और ये टाइटल सामने आया। अब जो लॉकडाउन की कहानी है ये अमरेश द्विवेदी जी नई दिल्ली में रहते हैं, उनकी कहानी है और हमें लगता है कि सबसे पहले जो कहानी हमें प्राप्त हुई वो लॉकडाउन ही थी। और इस लॉकडाउन में वो महानगरों की सोसाइटी में काम करने वाले एक माली किस तरह से वो कोरोना की चपेट में आता है, उसकी डेथ हो जाती है, और जो माली सोसाइटी को हरा भरा रखता है, सजाता संवारता है जी, जी। अमानवीयता और संवेदनहीनता को दर्शाती ये कहानी है कि वो सोसाइटी वाले उसकी मौत पर गम मनाने के बजाय ये कहते हैं कि उसको मरना था तो गांव जाकर मरता, यहाँ क्यों मर गया। इन्फेक्शन ये कोरोना का जो संवेदनहीन रूप है हर काल में हुआ है, जब प्लेग महामारियों का इतिहास तो हर साल में चल रहा है, 1820 में प्लेग आया, 1920 में, इस तरह का एक दौर चलता है, और हर महामारी के दौर में जीने की इच्छा, जिजीविषा पर भी बात हुई है, लोगों की जीने की इच्छा और जिजीविषा सामने आई तो हर महामारियों का मुकाबला किया है लोगों ने, लेकिन संवेदनहीनता भी सामने आई है, सामाजिक विकृतियां भी सामने आई है, जातीयता भी सामने आई है। तो इन सब को समेटे हुए इस कहानी में नई दिल्ली की ही एक सामाजिक कार्यकर्ता और साहित्यकार हैं सविता आनंद, उनकी कहानी है चुभन। उस चुभन में ये कहानी एक ऐसे किरदार पर है कि जो नीची जात का है, लॉकडाउन में उसको खाना बनाने का जिम्मा दे दिया जाता है, क्योंकि सारे मजदूर पलायन कर गए हैं, कोई बचा नहीं है, वो रह गया है, नहीं जा पाया है किन्हीं मजबूरियों में, तो वहाँ खाना बनाते समय पता चलता है कि ये नीची जाति का है तो वो भूखे रहना पसंद करते हैं और उसके हाथ का खाना पसंद नहीं करते। तो इन कहानियों के माध्यम से सामाजिक विकृतियों को भी उकेरने की एक कोशिश लेखकों ने की है, और हम इस बात के लिए, इस कहानी संग्रह के लिए अपनी अपनी कहानियाँ देने वाले सभी लेखकों और पत्रकारों को धन्यवाद भी देंगे
कि उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और इसको साकार रूप देने में अपना योगदान दिया। सर, इस किताब में 16 संस्कारों की बात की गई है और सबसे अच्छी बात है, मतलब रोचक बात है, जो इस कोरोना काल में हम लोगों ने सीखा देखा, इसमें कोरोना संस्कार की बात की गई है, तो बहुत अलग तरीके से आप ही ने स्वयं इस बात को लिखा है, तो मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे बहुत अलग कुछ लगा। मैं समझना चाहता हूँ कि आपके मतलब क्या विचार आया मन में और आपने इतनी बढ़िया लाइनें लिखी। संस्कारों की बात अगर करें तो 16 संस्कार तो चले आ रहे हैं जो हम लोग बचपन से जानते हैं, सिखाया जाता है, लेकिन एक आपने और संस्कार बढ़ा दिया है, क्या है सर बताइए। ये आप तो मानेंगे ही कि कोरोना महामारी देश में आने के समय ही जैसे ही लॉकडाउन हुआ या जनता कर्फ्यू 22 तारीख को लगा, उसके बाद से ही सरकार स्तर पर लोगों को जागरूक करने के प्रयास शुरू हो गए। मोदी जी ने खुद ही जनता कर्फ्यू के दौरान कि हम जीत लेंगे, लॉकडाउन की घोषणा के दौरान कि इससे कैसे हम बच सकते हैं, उनके मंत्रालयों ने इसके पूरा कैंपेन चलाया, जी चलाया, समाज और सरकार ने मिलके चलाया, जागरूक करने की एक कोशिश चल रही थी। तो हम लोगों के दिमाग में आया, क्योंकि ये कहानी संग्रह इसके पीछे अवधेश पांडे जी और वात्सल राय जी हमारे पत्रकार मित्र हैं, और नई दिल्ली में लेखिका हैं श्रीमती कुसुमलता सिंह, 3-4 लोग इस पे लगातार काम कर रहे थे। तो चर्चा करते करते ये मन में आया कि कोरोना के प्रति जागरूकता तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जागरूकता इन संस्कारों के बारे में, हिंदू संस्कारों के बारे में, हिंदू धर्म के संस्कारों के बारे में भी जरूरी है, जो हमें पहले से बता दिए गए और हम पश्चिमी चकाचौंध में उनको भूल गए। सबको पता है, अधिकांश लोग जानते हैं, नई पीढ़ी नहीं जानती होगी, बहुत से संस्कारों के बारे में हम भी नहीं जानते थे, 55 साल की उम्र हो गई, बहुत संस्कार ऐसे हैं जिनके बारे में हम भी डिटेल में नहीं जानते थे, नाम ही सुना था और उनका पालन तो होने का बंद हो गया रिवाज। तो हमारे ऋषियों पूर्वजों ने 16 संस्कार बनाए, उसमें एंटी इन्फेक्शन रूल्स भी हैं कि महिला प्रसूति में जाती है, बच्चा को जब जन्म होता है तो उसको वहाँ तक छठी तक पसनी तक उसको आइसोलेशन में डालते हैं। ये एंटी इन्फेक्शन वो था हम लोगों के हिंदू धर्म का, शुरू से चला आ रहा है, जिसको हमने आइसोलेशन में और क्वारंटीन और ये सब बोल दिया, आजकल के शब्द है। बिल्कुल सर। तो हमारे यहाँ संस्कारों का सिलसिला गर्भाधान, जैसे ही एक गर्भ ठहरता है, गर्भ में बच्चा आता है, आने की प्रक्रिया में होता है, पूरी हो जाती है, तो गर्भाधान संस्कार और उसके भी नियम कायदे बताए गए कि हम क्या करेंगे। फिर पुंसवन संस्कार, ये हमारे ऋषियों पूर्वजों ने कि आने वाली संतान अच्छी हो तो वो गर्भाधान संस्कार पुंसवन संस्कार के बीच में, फिर ये सुझाव दिए गए हैं, इन संस्कारों में नियम बनाए गए हैं कि गर्भवती महिला कौन सा साहित्य पढ़ेगी, संगीत सुनेगी, धर्म अध्यात्म में रुचि रखेगी, उसको धार्मिक कहानियां सुनाई जाए, पढ़े वो, संगीत सुने, जिससे कि आने वाली संतान मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ हो, खूब अच्छे विचार के साथ जी, अच्छे स्वास्थ्य के साथ, तो रहन सहन, खान पान, विचार आचार सारे उसमें। तो गर्भाधान से जो सिलसिला शुरू होते हुए पुंसवन संस्कार तमाम है, फिर वो बच्चा पैदा होता है, फिर वो मुंडन संस्कार करते हुए अंतिम जो मृत्यु बाद के जो संस्कार है वो अंत्येष्टि का है। तो इस तरह के 16 संस्कार हमारे पूर्वजों ने, और इस पर हम लोगों ने संस्कार के बारे में, तो हम लोगों ने ये जरूरत महसूस की, ये संस्कार के बारे में इसमें आर्टिकल का पेज है, और ये जरूरत महसूस हुई कि हम कोरोना काल के सबक तो बताएं ही इस कहानी संग्रह के माध्यम से भी, और अपने पुराने संस्कारों के प्रति भी लोगों को जागरूक करें कि हमारे आने वाली पीढ़ी ये जान जाए कि आइसोलेशन ये शब्द नया है, लेकिन इसके रीति रिवाज हमारे हिंदू धार्मिक
रीति रिवाज में बहुत पुराने हैं जी। मृत्यु के बाद जो घर का जो सदस्य चिता को मुखाग्नि देता है उसको 13वीं तक किसी को छूना नहीं है, ये भी था कि इन्फेक्शन से बचाना है परिवार को, वो किसी से मिलेगा नहीं, किसी को छुएगा नहीं, वो अपना घर खाना अलग पकाएगा। तो ये जो कोरोना महामारी के दौरान हम आज बात कर रहे हैं जिन संस्कारों की, तो हमें लगता है कि हमारे ऋषियों पूर्वजों ने उस समय ये वायरस के प्रति कितने जागरूक थे और लोगों को इस तरह के नियम बना के गए कि लोग जागरूक रहे। अब निष्क्रमण संस्कार अगर आप किसी से कह दे तो वो नहीं जानता ठीक। आज तमाम माताएं नहीं जान रही हैं, इस बात का क्षोभ होना चाहिए हिंदू समाज के लोगों में कि अगर आप किसी माता से पूछ लीजिए कि ये निष्क्रमण क्या होता है तो ये क्या होता है, तो खुद आपसे पलट कर पूछ। तो जागरूक करने की जरूरत के हिसाब से एक आर्टिकल इसमें अपने पुराने संस्कारों के बारे में रखा गया और दूसरा कोरोना के सबक भी बताए गए जो अभी तक हमको रटाए जा रहे हैं, ये करें ये ना करें, तो उन संस्कारों पे भी इसके प्रति साबुन से हाथ धोने का है, आप 2 गज दूरी है ना, संक्रमण बाहर ना निकले, जरूरत हो तभी निकले, प्राणायाम करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। तो ये सारे सूत्र हमारे अगर 16 संस्कारों का पालन करते हुए जीवन जिया जाए जी, तो हमें लगता है कि 17वां इसको भी मान लिया जाए, 17वां तो हमें इंक्लूड कर लेना चाहिए, आज के समाज को करना चाहिए। ये हमारी पीढ़ी का दायित्व है कि हम अगली पीढ़ी को ये बता के जाएं कि ये 17वां संस्कार, 16 तो है ही, 17वां ये संस्कार है, इसके ये नियम कायदे। तो हम महामारियों का मुकाबला आज भी कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियाँ भी हमारी करने योग्य बनती चली गई। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो कोरोना काल में किताब आई है, जाहिर सी बात इसमें जो बातें लिखी है, आपने बहुत बढ़िया कहा कि अगर 17वां संस्कार भी हम इस्तेमाल कर लें तो कई सारी बीमारी, जैसे कोरोना की वैक्सीन बनने की बात हो रही, प्रधानमंत्री ने कल कहा कि 3 कंपनियां काम कर रही हैं, अगर हरी झंडी मिलेगी तो हम आगे, हमारे वैज्ञानिक तैयार हैं, मतलब हम तैयार हैं कि हम दवा बना देंगे और इसको ख़त्म भी कर देंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो आपकी किताब है बहुत काम आएगी, उसको अगर लोग पढ़ेंगे तो बहुत खुशी भी होगी जी। S7 न्यूज़ चैनल के आप प्रशांत जी को मैं और पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आकाश में कोरोना घना है पर एक चर्चा आयोजित की और इसके बारे में हिंदी भाषी समाज को जागरूक करने का प्रयास किया। हमें उम्मीद है कि हिंदी के पाठकों का प्रेम इस कहानी संग्रह को मिलेगा और इस कहानी में अपनी एक कहानी का योगदान देने वाले गौरव तिवारी युवा हैं, वेदर साइंस पर वो रिसर्च कर रहे हैं भोपाल में, और उन्होंने एक 4 लाइन लिखकर भेजी आकाश में कोरोना घना है पर जी। इन 4 लाइनों से इस बात को आज यहाँ पर मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ जी। उन्होंने लिखा है कि घूमना मिलना बिछड़ना यूं कहें सब कुछ मना है, घूमना मिलना बिछड़ना यूं कहें सब कुछ मना है, देश के आकाश में कोहरा नहीं कोरोना घना है। क्या बात है सर जी। विश्व बेशक है परेशान इस विषम माहौल से, विश्व बेशक है परेशान इस विषम माहौल से, पर इन्हीं रिपुओं से लड़कर, रिपुओं माने शत्रुओं, पर इन्हीं रिपुओं से लड़कर आज का भारत बना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष रूप से प्रशांत जी आपको, S7 न्यूज़ चैनल के सभी टीम मेंबर्स को और उन लेखकों और पत्रकारों को जिन्होंने आकाश में कोरोना घना है में अपना योगदान दिया है। ऐसी स्नेहलता जी हैं, उन्होंने एक कहानी भी उसमें लिखी थी कि अब ऐसा ना हो, ये एक ऐसी सरोगेट मदर की कहानी है, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा कि किस प्लाट पर वो कहानी लिख रही हैं। उन्होंने एक यात्रा की अब इसी लॉकडाउन पीरियड में देहरादून तक, उस यात्रा के अनुभव को इस कहानी में समेटा है कि एक सरोगेट मदर जो बेंगलोर में रहती है और गुजरात के किसी हॉस्पिटल से उसको सूचना जाती है कि आपको बेबी हुआ है, बुकिंग कराई होगी जो भी जैसा एक प्रक्रिया होती है जी, जी, जी। और वो उस लॉकडाउन पीरियड में अपने बेबी को लेने जाती है और
वापस लौटते लौटते रास्ते की मुश्किलें, इतनी रुकावटें, इतनी थकावटें, इतने चेकिंग्स पुलिस की है कि वो सरोगेट जो बेबी उनको मिला था उपहार में, जो उन्होंने सोचा था कि हमारी गोद भर जाएगी, वो वापस आते आते ख़त्म हो जाता है। बड़ी मार्मिक कहानी है। इन सब ऐसी कहानियों को पढ़कर हमें लगता है कि पाठक जागरूक होंगे और उनको याद रहेगा। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको कि इस तरह की आपने किताब लिखा है, और बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आप संवाद कार्यक्रम में। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार गौरव अवस्थी, जो सीधे हमारे साथ में लाइव जुड़े थे। हम आपको बता दें कि आकाश में कोहरा घना है, उन्होंने लिखा, कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है, कोरोना के बारे में बहुत सारी इसमें कहानियां हैं जो कहीं नहीं कुछ ना कुछ दर्शाती हैं, लोगों का अपना एक्सपीरियंस है। और इस किताब के लिए S7 टीम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहिए संवाद, फिर होगी आपसे मुलाकात। लेकिन सबसे पहले आप सावधान रहिए, मास्क लगाइए, बाजारों में कम जाइए। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो समाज भी सुरक्षित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।